दो पुत्र भाई को हम लोगों ने किनारे से बचा के रखे। हम अगर अपनी जिंदगी में देखें तो दो बात होते हैं, एक प्रश्न है कि क्या और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे करना है। क्या करना का उत्तर हम लोगों ने निकाला, उसे होना है, समृद्ध होना है और उसकी कैसे करना है इसका काम, ये बात इसकी बात कर लेते हैं कि ये तो क्या हमको पढ़ना है, क्या अध्ययन करना है, क्या चर्चा करना है उसका करते हैं, लेकिन चर्चा करेगी कैसे उसके बारे में कल बात की है कि जो भी कह रहे हैं वो आपके लिए प्रस्ताव, आपसे अपेक्षा क्या है कि आप इसे मान लें या नहीं माने, जांच भी किसके आधार पर
एक तो व्यवहार और दूसरा कार्य। व्यवहार किसके साथ होता है? मानव। कार्य श्रेष्ठ प्रकृति। श्रेष्ठ प्रकृति क्यों लिखा? क्योंकि हम आप भी प्रकृति के ही भाग है, तो चूंकि उसमें से मानव के बारे में बात पहले हो गई। अब जो भी देश कुर्सी घर कपड़ा पशु पेड़ पौधे सबको क्या कहा? श्रेष्ठ प्रकृति। हम पौधा लगा रहे हैं वो भी कार्य है, पौधे को पानी दे रहे हैं कार्य है, घर में व्यवस्था बनाए रखने में साफ सफाई में सहयोग कर रहे हैं कार्य है, कपड़ा सुखा रहे हैं लाके फोल्ड करके रख रहे हैं कार्य है, वो सब कार्य के ऊपर हो रहा है श्रेष्ठ प्रकृति के ऊपर। श्रेष्ठ प्रकृति के ऊपर। और जो घर में परिवार के साथ बातचीत किया आप लोगों ने से पापा से भाई से वो सब कहा आया? व्यवहार। व्यवहार और कार्य दो अलग अलग दिख रहे हैं। व्यवहार मानव के साथ कार्य से प्रकृति। अब देखिए अगर कोई प्रस्ताव आपको सहन स्वीकार नहीं करा और आप जीने गए तो या तो व्यवहार में जिएंगे या फिर कार्य। तो व्यवहार में मानव के साथ जिए तो जैसे उदाहरण के तौर पर आपने आज कहा कि संबंध में सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान सहज स्वीकार सहज स्वीकार के लिए अगर सम्मान को जब जीने जाएंगे तो दूसरे मानव के साथ सम्मान के भाव से व्यवहार करेंगे, चाहे वो दूसरा मानव छोटा छोटा भाई हो गया हो बड़े हो शिक्षा को पाता पिता हो दोस्त हो, तो जो सम्मान का भाव में सहज स्वीकार किया उसको हम व्यवहार में दूसरे मानव के साथ व्यक्त करेंगे। बड़े हैं तो पैर छूते व्यक्त करेंगे, छोटे हैं तो गले मिलकर व्यक्त कर लेंगे, अन्य तरीकों से व्यक्त कर लेंगे। ये जो सम्मान को हमने व्यक्त किया तो जिसके साथ सम्मान को व्यवहार में व्यक्त किया वो सुखी होता है दुखी होता है? सुखी। और जो व्यक्त कर रहा है वो सुखी हुआ कि दुखी हुआ? दुखी। आप किसी का सम्मान करते हैं तो दुखी होते हैं सुखी होते हैं? सुखी। और आपका कोई सम्मान करता है तब सुखी होते हैं कि दुखी? सुखी। ये जो सम्मान आपको सहज स्वीकार हुआ उसको जो आपने दूसरे आदमी के साथ व्यवहार किया तो दोनों सुखी हुए कि कोई दुखी हुआ? दोनों सुखी हुए। ये दोनों सुखी हुए उसको क्या कहा? उभय। उभय का मतलब दोनों, उसमें शामिल दोनों ही। तो एक बार प्रस्ताव आपको सहज स्वीकार दिखा कि सम्मान सहज स्वीकार है, जीने गए तो मानव के साथ व्यवहार भी दिया और आपको दिखा कि उससे मैं भी सुखी हो रहा हूँ और सामने वाला भी सुखी हो रहा है, अर्थात यह सुख हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रस्ताव आपने सुना वो प्रस्ताव अब ठीक है, इसको पूरी जिंदगी जिया जा सकता है। दो टेस्ट किया, पहला टेस्ट सहज स्वीकृति के आधार पर जाकर, दूसरा जी के और जीने में देखे कि आप भी सुखी हुए कि नहीं, दूसरा भी सुखी हुआ कि नहीं, दोनों सुखी हुए तो उसको कहा। तो दो टेस्ट हुए, पहला टेस्ट सहज स्वीकृति के आधार पर जाता, दूसरा जीने और जीने में भी मानव के साथ जो व्यवहार में जाता उसे क्या कहा? शेष प्रकृति के साथ जो जांच करेंगे कार्य में उसे कहेंगे रूपी। तो एक जांच हुआ और व्यवहार वालों ने जो जांच हुआ उसको कहा चूहे। यहाँ भी सही पाया और यहाँ भी सही पाया, तब ये प्रस्ताव ठीक है। यही प्रस्ताव से अब आपके लिए सही समझ बन गया, सही कार्य स्वीकार कर लिया और आपको लगा कि ऐसा जिसके साथ सुखी हुए जिसके साथ जिए वो भी सुखी हुआ, तब यही प्रस्ताव आपके लिए क्या बन जाता है? सही समझ। आपको शंका नहीं रहती कि ये सही है कि गलत, क्योंकि हमको जांच में भी ठीक दिखा और जीने में भी हम सुखी हुए जिसके साथ जिए वो भी सुखी हुआ, तो ये प्रस्ताव अब आपके लिए जो था वो ही आपके लिए बन जाता है। ठीक है, वो भी जांच कर रखी तो टोटल योजना स्वीकृति के आधार पर और व्यवहार में ऐसे ही कार्य में ऐसे ही कार्य कि हमको कोई प्रस्ताव आया हमने जांच के देखा, जांचने के बाद अगर सही लगा तो कार्य में उसको करके देखेंगे, अगर उस कार्य से आपकी भी समृद्धि हो रही है और प्रकृति की भी समृद्धि हो रही है तो दोनों की समृद्धि हो रही है तो उसको क्या नाम? दोनों की समृद्धि हुई तो ये प्रस्ताव ठीक है, अन्यथा प्रस्ताव में दूसरे को प्रस्ताव। हम लोग किस विधि से पढ़ाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं अभी तक कल से लेके
जिसमें दो महत्वपूर्ण था, पाली संस्कृति के आधार पर चार हम लोग ने कई बातों को ध्यान से देखा, दूसरा उसको जी के चर्चा करके व्यवहार करके, तो घर जाके आप लोगों ने जो माता पिता से चर्चा की उसमें आपको शुद्ध लगा तो क्या है आप वापस लौटते हैं।